हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आकृति और सुनील की शादी हुए 10 साल से अधिक हो गए थे। इन 10 सालों में सुनील ने आकृति को हर संभव खुशी देने की कोशिश की, लेकिन वो थी कि बात बात में सुनील को ताना दिया करती थी। उन दोनों की एक बेटी थी शिप्रा। सुनील एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम करता था। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वहाँ ऊपरी कमाई बहुत थी। लेकिन वो बहुत ही ईमानदार था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय सुनील के दफ्तर में एक सेठ उससे मिलने आया और टेंडर पास करने के बदले 10 लाख रुपए घूस देने की बात कही। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? 10 लाख क्या, 10 करोड़ भी देंगे तो भी मैं बेईमानी नहीं करूंगा। चलिए अब आप यहाँ से जाइए, मेरा समय मत खराब करिए। शाम को जब आकृति को इस बारे में पता चला तो हाय हाय, ये किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया है। मन तो करता है कहीं भाग जाओ। वो गुस्से में उठकर दूसरे कमरे में चली गई। सुबह तक वो दूसरे कमरे में ही लेटी रही। क्या हो गया तुम्हें? बुखार तो नहीं लग रहा है, फिर क्यों लेटी हुई हो? शिप्रा और मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाना, जरूर बनाना है। मुझसे शादी करके तुम एक मुफ्त की नौकरानी जो घर ले आए हो। बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? बोलो ना, क्या बात है? आकृति को तो बस मौका चाहिए था। वो उस दिन सुनील पर फूट पड़ी। मुझसे पूछते हो क्या बात है? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ना तो मेरे पास ढंग की साड़ी है, ना घर में अच्छा फर्नीचर। किराए के मकान में जिंदगी किराए की हो गई है। ना कभी बाहर घुमाने ले जाते हो, ना कभी बाहर से कुछ लेकर आते हो। अरे, तुम्हारे इस घर में भूत की तरह मुझे महसूस होता है। तभी वहाँ शिप्रा दौड़ती हुई आती है। पापा, मैं आपको बताना भूल गई, हमारे स्कूल की तरफ से सभी लोग एजुकेशनल ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। तो जाओ ना बेटा, इसमें दिक्कत क्या है? पापा, 3,000 रुपए लगेंगे। 3,000? अरे बेटी, तेरे पापा रोटी खिला रहे हैं ना हमें, वही बहुत है। ये ट्रिप ट्रिप की बात भूल जाओ, वैसे भी भिखारियों के बच्चे ट्रिप पर नहीं जाते। ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो, कुछ तो लिहाज करो, छोटी सी बच्ची है वो। अच्छा है ना, उसके लिए अपने बाप की असलियत उसे अभी से समझ आ जाए तो ठीक है। सुनील बेचारा सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। वो जानता था कि वो आकृति और घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। उस दिन वो भूखे पेट ही दफ्तर चला गया। सुनील के पास पैसे कमाने का हर दिन कोई न कोई मौका जरूर आता, लेकिन उसकी ईमानदारी की नींव बहुत पक्की थी। उसी शाम जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था तो कई सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। वो सोच रहा था कि पता नहीं आकृति का आज कौन सा रूप उसे देखने को मिलेगा, कैसे वो शिप्रा को स्कूल ट्रिप पर जाने के पैसे देगा। इन विचारों में वो इतना खोया हुआ था कि सामने से आ रही कार का उसे पता नहीं लगा और वो उसे टकरा गया। टकराने से वो दूर जा गिरा। उसके सिर में थोड़ी चोट आई और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। अरे, आपको होश आ गया? आप कौन हैं? ये मैं कहाँ हूँ? मैं काव्या हूँ। मेरी कार से ही आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं ही आपको यहाँ लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में आकृति भी वहाँ आ पहुँची और सुनील को देखकर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया, कैसे हो गया आपका एक्सीडेंट? आप इनकी कौन है? अरे, मैं कौन हूँ? पहले आप बताइए कि आप कौन है। मेरी ही गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। हाय, क्या दुश्मनी है मुझसे आपकी जो मेरे पति को आप मारना चाहती हैं? मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, फांसी दिलवाऊंगी आपको, फांसी। आकृति अपने घड़ियाली आंसू बहा ही रही थी कि काव्या ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब बात को बढ़ाकर क्या फायदा। उसने आकृति को कहा कि वो उन्हें 2 लाख रुपए देगी, वो बेकार में मामले को पुलिस के पास न ले जाए। 2 लाख की बात सुनकर आकृति की आंखों में चमक आ गई। 2 लाख? कम है क्या? बोलिए कितने पैसे चाहिए आपको?
मैं भी अभी अपने पापा को कॉल करके पैसे यही मंगा लेती हूँ। पापा जी, मैं काव्या इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी हूँ। अरबपति काव्या इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी, ये सुनकर आकृति फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि कितनी सही कार से उसके पति टकराए हैं। उसने काव्या से 5 लाख रुपए मांगे। काव्या वो रकम देने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। तभी सुनील ने उसे टोका। ये तुम क्या कर रही हो आकृति? इस तरह से किसी से सौदा किया जाता है? शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम चुप रहो जी, घर में लक्ष्मी आ रही है, उसका रास्ता मत रोको। मेरे रहते ये लक्ष्मी नहीं आएगी। काव्या जी, देखिए गलती मेरी भी है। मैं पता नहीं किन विचारों में डूबा था जो आपकी कार से टकरा गया। आप प्लीज खुद को दोषी न माने और न ही कोई पैसा देने की बात कहें। सुनील की बात सुनकर आकृति का मुंह बन गया। वो मन ही मन उसे भला बुरा कहने लगी, लेकिन सुनील की ये सावगोई काव्या के दिल को छू गई। वो मन ही मन उसे प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद सुनील अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। घर आने पर आकृति ने उसे बहुत सुनाया, लेकिन शिप्रा अपने पापा को देखकर रोने लगी। पापा, मेरे पापा, आप आ गए। आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया था पापा। सॉरी बेटा, मैं आपके स्कूल ट्रिप के लिए पैसे नहीं दे पाया। पापा, इस पे सॉरी की क्या बात है? मैंने तो उस दिन ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी। वैसे भी मुझे स्कूल ट्रिप से ज्यादा मेरे पापा प्यारे हैं। आई लव यू पापा, आई लव यू। शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अब हमारी इकलौती बेटी भी छोटी छोटी बातों के लिए समझौता करेगी। सुनील अस्पताल से घर तो आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। दूसरी ओर काव्या हर पल सुनील के ख्यालों में डूबी रहती। वो उससे मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, उसके गले लगना चाहती थी, लेकिन सुनील का शादीशुदा होना उसकी राह में रोड़े की तरह था। लेकिन सुनील के बिना जीना भी तो मुश्किल था। उसके बाद उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और इस घटना के 1 महीने बाद वो सुनील के घर पहुंच गई। उस समय वो घर पर नहीं था। उसे देखकर सुनील की पत्नी आकृति बहुत खुश हुई। अरे काव्या मैडम, आप आइए ना, अंदर आइए ना। घर के अंदर आते ही उसे शिप्रा अपनी छोटी सी गुड़िया से खेलते हुए दिखाई दी। तब काव्या ने अपने साथ लाया हुआ बड़ा सा टैडी उसे दिया। पहले तो उसने वो लेने से इनकार किया, लेकिन अपनी मम्मी के कहने पर ले लिया। आपके पति नहीं है क्या? जी, वो अभी ऑफिस से नहीं लौटे हैं। उनसे कुछ काम था क्या? अरे, उस दिन उनके कहने पर आपने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन मुझे घर जाकर इस बात का एहसास हुआ कि मेरे कारण आपके घर पर कितनी मुसीबत आ गई है, इसलिए ये पैसे मैं लेकर आई हूँ। प्लीज आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा। आकृति ने झट से पैसों का बैग उसके हाथ से ले लिया। शाम को सुनील के लौटने से पहले उसने नया टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन खरीद भी लिया। जब शाम को सुनील लौटा तो उसने पूछा कि ये सब चीजें कहाँ से आई, तो आकृति ने उसे सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि मैं तो नहीं गई ना पैसे मांगने, अब कोई खुद से देकर गया तो क्या करूं? उसकी बात सुनकर सुनील चुप हो गया। दूसरी ओर काव्या किसी न किसी बहाने से सुनील के घर आने लगी। न सिर्फ घर बल्कि सुनील के ऑफिस भी जाकर मिलने लगी। सुनील को पहले लगा कि वो सहानुभूति के चलते उससे मिलने आती है, लेकिन एक दिन काव्या ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आकृति के बिना नहीं रह सकता। काव्या के लिए सुनील की ना दर्द भरी थी, लेकिन सुनील का प्यार वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। काव्या को अब पता चल गया था कि सुनील की पत्नी आकृति सुनील से ज्यादा पैसे से प्यार करती है, इसलिए उसने आकृति के सामने एक प्रस्ताव रखा। 10 करोड़ और एक 3 BHK फ्लैट, और बदले में आप ये चाहती हैं कि आप सुनील के साथ उसकी पत्नी की तरह रहें और मैं उसे छोड़कर उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं? अपनी बेटी शिप्रा को भी आपको यहीं छोड़ना होगा। मंजूर है, मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 10 करोड़ में आकृति ने अपने पति का सौदा कर दिया। वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसे कुछ पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है। अब आकृति हर वो काम करती जो अब तक नहीं कर पाई थी। नए नए कपड़े खरीदती, महंगे होटलों में खाती, अब तो उसके पास अपनी महंगी गाड़ी भी थी तो वो उसमें घूमती। सारी दुनिया उसे अब रंगीन लगने लगी थी। लेकिन 2 महीने बाद ही उसे ये बड़ा सा घर काटने को दौड़ने लगा था। गहने, जेवर सब बेमानी लगने लगे थे। उसे सुनील की बहुत याद आने लगी थी। अपनी बेटी का चेहरा उसके आगे घूमने लगा था।
एक रात जब वो सोई तो उसने सपने में देखा कि सुनील बहुत बीमार है। सवेरे जागते ही वो भागी भागी अपने उसी घर में गई। वहाँ जाकर देखा कि सुनील तो बिल्कुल ठीक है। वो किचन में अपने और शिप्रा के लिए नाश्ता बना रहे हैं। सुनील, शिप्रा, आकृति की आवाज सुनकर सुनील दौड़कर उसके पास आया। आकृति, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो सुनील, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं चाहिए पैसा, बंगला, गाड़ी। मैं तुम्हारे साथ दो रोटी में खुश हूँ। कहाँ है वो काव्या? मैं उसे सब लौटा दूंगी। मैं किसी से तुमको शेयर नहीं कर सकती। आकृति, तो क्या मैं अपने आप को किसी से शेयर कर सकता हूँ? मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, कुछ चीजें मैं नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश तो करता हूँ। और जहाँ तक बात रही काव्या की, वो कभी मेरे साथ रहने नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे साफ कह दिया कि मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर सिर्फ आकृति का अधिकार है। ये सुनकर आकृति ने उसे गले लगा लिया। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।